हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर एक्शन वीडियो चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक्शन वीडियो बनाने वाला हूँ इंडिया की गाजियाबाद सिटी के ऊपर, जिसका काफी ज्यादा सुना हुआ है कि ये काफी तेजी से डेवलप होने वाली सिटी है और ये वर्ल्ड में काफी तेजी से डेवलप होने वाली सिटीज की लिस्ट में भी आती है गाजियाबाद। इसका मूवीज में भी काफी ज्यादा नाम सुना हुआ है और संजय दत्त की मूवी भी है गाजियाबाद सिटी के ऊपर बनाई हुई है, जिसका नाम भी आई थिंक गाजियाबाद ही है। और भी काफी ज्यादा मूवीज के अंदर इसका नाम वगैरह सुनते रहते हैं। मैं तो देखने के लिए इसे बेसब्र हो रहा हूँ, तो पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंजॉय करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर में मौजूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जाने माने शहरों की लिस्ट में आता है। 17 लाख की जनसंख्या के साथ ये शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 17 लाख यानी के 17 लाख काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। इस शहर के सभी इलाके काफी अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। इस शहर की सड़कों पर UP 14 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएंगी। उत्तर भारत में दिल्ली एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आता है, जो इसे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन बनाता है। शहर 210 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन के अंदर आता है। दिल्ली NCR दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ शहरी इलाका है। गाजियाबाद क्षेत्र का अहम हिस्सा है, जिसमें नए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। ये शहर 1740 में सुल्तान अहमद शाह के वजीर गाजीउद्दीन ने बनाया था। इसी वजीर के नाम पर इस शहर को गाजीउद्दीन नगर कहा जाता था, जो नाइस समय में गाजियाबाद के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। गाजियाबाद में ही हिंडन नदी के किनारे पर मुगल परिवारों का पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। 1866 में पहली बार गाजीउद्दीन नगर में रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, जिसके बाद ही इसके रेलवे स्टेशन का नाम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन रखा गया। सईद अहमद खान के द्वारा स्थापित की गई साइंटिफिक सोसाइटी उस समय इस इलाके में बहुत बड़ी एजुकेशन मूवमेंट लेकर आई थी, जिस वजह से यहाँ दूर दूर से एजुकेशन के लिए लोग आने लगे थे। आज भी दिल्ली उत्तर भारत में एजुकेशन का गढ़ माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में 17,29,000 लोग खुशी खुशी रहते हैं। इस शहर को इन्हीं 17 लाख लोगों ने फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के इस मुकाम तक पहुँचाया है। क्षेत्रफल के हिसाब से शहर की जनसंख्या काफी डेवलप सिटी है, तो इस शहर का जनसंख्या घनत्व 8,200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बनता है। इस शहर की 93% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों को देखा जाए तो इस शहर के 72% लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। इस शहर की 25% जनसंख्या इस्लाम धर्म को मेजोरिटी हिंदुओं की है। बाकी धर्मों की बात की जाए तो सिर्फ 1% के शहर में बाकी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। नाइस। इस शहर की इकोनॉमी की बात की जाए तो शुरुआत में 1865 के अंदर ही यहाँ रेलवे लाइन बनाई गई थी, जो लाहौर, अमृतसर, अम्बाला जैसे कई शहरों से जुड़ा करती थी। इस रेलवे लाइन की वजह से इस शहर में व्यापारियों को बहुत ज्यादा फायदा मिला, लेकिन आजादी के बाद हुए डेवलपमेंट के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो आजादी से पहले यहाँ कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी। 1947 के बाद 5 साल के अंदर ही पाकिस्तान से आए कुछ बड़े कारोबारियों ने दिल्ली के पास गाजियाबाद में अपने कारोबार शुरू किए, जिसकी वजह से यहाँ पर इनिशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा ऑयल्स लिमिटेड, डेल्फोस इंडिया जैसी ढेर सारी कंपनीज मौजूद हैं। इस शहर काफी कंपनीज हैं यार, बड़ी बड़ी वो भी। तो नेशनल हाईवे नंबर 24 इस शहर को दिल्ली से जोड़ता है, जिसको फ्यूचर में 4 लेन से 14 लेन तक बनाया जाएगा। इस हाईवे के आसपास ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बनाए जाएंगे, जो इस शहर के ट्रांसपोर्ट और बिजनेसेस को यार कैसी खूबसूरत ब्रिजेस बनाए हुए हैं, खूबसूरत सड़कें बनाई हुई हैं। ये शहर रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी मेट्रो ट्रेन के द्वारा भी भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ा गया है। नाइस। यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इस शहर में ब्लू और रेड मेट्रो लाइन्स बिछाई गई है, जिसमें रेड लाइन पर 8 मेट्रो स्टेशन और ब्लू लाइन पर 2 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। भारतीय रेलवे के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। गाजियाबाद में उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मौजूद है और 1865 में बना हुआ है, तो पुराना भी काफी है। गाजियाबाद में हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो दिल्ली NCR के अंदर दूसरा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से देश के दूसरे राज्यों तक जाना काफी आसान है। अभी इस एयरपोर्ट से पिथौरागढ़, हुबली, उत्तराखंड और कर्नाटक तक फ्लाइट्स जाती हैं। सबसे पहले इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। काफी अमेजिंग, काफी खूबसूरत, काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। यार अमेजिंग सिटी लगी है मुझे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी नहीं है, 17 लाख पॉपुलेशन वाली सिटी है। ये भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें दूसरी सिटीज के साथ, जैसे मुंबई हो गया, अभी केरला हो गया, तो उनमें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वो तो
जो लोग मानते हैं कि हम डेवलप सिटीज मानी जा सकती हैं कि वो होती हैं, वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनकी जीडीपी भी ज्यादा होगी और वो पॉपुलेशन मतलब कि डेवलप सिटीज बनेंगी, जल्दी बनेंगी क्योंकि वहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 17 लाख ही लोग रहते हैं। और ये बात मुझे बड़ी अमेजिंग लगी है कि यहाँ के लोग 93% लोग पढ़े लिखे हैं। बहुत अमेजिंग बात है, बहुत अच्छी बात है। और गाजियाबाद की ना ही कोई हिस्ट्री इतनी ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 200-300 साल पुरानी हिस्ट्री है, और फिर भी ये इतनी डेवलप सिटी है, बहुत अमेजिंग है। मुझे तो ओवरऑल ये सिटी बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप भी मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी सिटी के ऊपर भी एक्शन वीडियो बना सकता हूँ, और मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं कोई न्यू टॉपिक या कोई इसी और टॉपिक के ऊपर एक्शन वीडियो बनाना, उसके ऊपर भी एक्शन वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मेरी एक्शन वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई एक्शन वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।